हे गाइस, वेलकम टू द वॉक अराउंड। मेरा नाम है हाशिम और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, क्या फोर्ट इंडिया में वापस आ रही है? ये सवाल इंटरनेट पर आग की तरह छाया हुआ है, तो आज इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरी गुजारिश है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन इस चैनल को अपार सफलता प्रदान कर सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, फोर्ट की अगर हम बात करें तो हमारे माइंड में दो सबसे खास चीज़ें आती है। पहली सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और दूसरी शानदार ड्राइविंग डायनामिक्स। फोर्ट जब इंडिया में थी तो उनके पोर्टफोलियो में अच्छे खासे प्रोडक्ट्स थे, लेकिन बदकिस्मती से हम इंडियंस ने एज अ कार बायर फोर्ड को कभी उतनी तवज्जो दी ही नहीं जितनी तवज्जो की वो हकदार थी। मिसाल के तौर पर फोर्ड की फिगो आती थी, लेकिन इस सेगमेंट में हम इंडियंस ज़्यादातर स्विफ्ट के पीछे भागते रहे। उसके बाद सब 4 मीटर सेडान सेगमेंट में एस्पायर आती थी, लेकिन इस सेगमेंट में भी डिज़ायर का बोलबाला रहा। फ्री स्टाइल एक बहुत अच्छा और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट था फोर्ड की जानिब से, लेकिन उसकी भी सेल ना के बराबर ही हो रही थी। इको स्पोर्ट ही एक ऐसी गाड़ी थी फोर्ड की जो थोड़ा बहुत अच्छा कर रही थी, और एंडेवर जिस सेगमेंट की गाड़ी थी उस सेगमेंट में तो बायर्स ही काफ़ी लिमिटेड होते हैं। हालांकि उस सेगमेंट में भी फॉर्चूनर का बोलबाला रहा है। बहरहाल, अभी जब फोर्ड ने अपनी ये सब गाड़ियां इंडिया में बेचना बंद कर दी है, एक तरह से वो अपना बोरिया बिस्तर उठा के जा चुके हैं, तो हम लोग अब इस उम्मीद में बैठे हैं कि काश फोर्ड वापस आ जाए। लेकिन जब मौजूद थी तब इतनी कदर नहीं की। अब देखें, जाहिर सी बात है कि अगर सेल्स नहीं आएगी किसी कंपनी के पास तो उनका सर्वाइव करना तो मुश्किल होना ही है, और वैसे ही फोर्ड के साथ हुआ। सेल्स नहीं आ रही थी तो उनको ऑपरेट करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, तो उन्होंने भी अपना सानंद वाला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो था वो टाटा को बेच दिया और इंडिया से एग्जिट कर गए। अब इनका जो चेन्नई वाला प्लांट है वो तो काफ़ी कीमती प्लांट है, क्योंकि एक तो वहाँ ऑटो कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बहुत सारे हैं आसपास, और फिर पोर्ट्स भी वहाँ इर्द गिर्द ही हैं, जिससे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी ईजी और कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाता है, क्योंकि प्लांट जितना पोर्ट के नज़दीक होगा उतना ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा। और फोर्ड जब इंडिया से एग्जिट कर रही थी तो इस चेन्नई प्लांट के लिए बहुत सी ऑटो कंपनीज ने फोर्ड को अप्रोच किया कि ये प्लांट हमें बेच दो, जैसे टाटा, एमजी, महिंद्रा और ओला। लेकिन फोर्ड ने अपना चेन्नई प्लांट किसी को नहीं बेचा, और अब इंटरनेट पर खबर आग की तरह फैली हुई है कि फोर्ड इज़ कमिंग बैक टू इंडिया। वैसे अभी 100% इस बात की पुष्टि तो नहीं की जा सकती कि फोर्ड वाकई इंडिया में आके अपनी कार्स बेचना स्टार्ट करेगा फिर से, लेकिन ये बात तो काफ़ी हद तक तय है कि फोर्ड इंडिया में वापस आ तो रही है, क्योंकि रिसेंटली कुछ वक्त पहले ही उन्होंने काफ़ी वैकेंसीज निकाली थी जिसमें मुख्तलिफ ओहदों के लिए उनको मैन पावर चाहिए थी। तो जहाँ तक फिलहाल लग रहा है, फोर्ड इंडिया में आएगी ज़रूर, अपनी चेन्नई वाले प्लांट स्टार्ट करेगी ज़रूर, लेकिन हो सकता है वो वहाँ से अपनी कार्स को मैन्युफैक्चर करके उन्हें दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करे, और जब उन्हें ये लगेगा कि हाँ, अब इंडियंस सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी और ड्राइविंग डायनामिक्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं माइलेज के ऊपर, तो शायद वो अपने कुछ प्रोडक्ट्स इंडिया में रीलॉन्च कर सकते हैं। वैसे उनके दो ही प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिमांड रही है इंडिया में हमेशा से, पहली इको स्पोर्ट और दूसरी एंडेवर। और अगर बात करें सेफ्टी की, तो हाँ, हम इंडियंस एज अ कार बायर सेफ्टी को अब प्रायोरिटी देने लगे हैं, और यही वजह है कि अब टाटा मोटर्स जैसी कंपनी भी बहुत अच्छी सेल्स कर पा रही है अपनी प्रोडक्ट्स की, जिन्हें किसी ज़माने में टाटा के ठीकरे कहा जाता था। तो अच्छी बात है, ये फोर्ड की तरफ से अच्छा इशारा है कि वो वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे फोर्ड को अपनी सेकंड इनिंग में कौन कौन सी कार्स अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, या आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। फिलहाल के लिए इतना ही, ये एक छोटी सी वीडियो थी फोर्ड के बारे में। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। अगर मेरे पास और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है फोर्ड के रिगार्डिंग तो मैं आपसे वीडियो बना के ज़रूर शेयर करूँगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगा आपसे नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।